तो बात करते हैं कांगड़ा किले की, जो नूरपुर किला नाम तो इसका पहले, बाद में जो इसका नाम चेंज किया गया तो उसका नाम रख दिया गया कांगड़ा। टिकट कटवाने के बाद जो है हमें एंट्री मिल चुकी थी, और सबसे पहले जो है हमें सबसे पहला जो नज़ारा इस कांगड़ा किले का दिखाई देता है वो रहता है इसका पहला गेट। तो यहाँ से देख सकते हो आप कैसा अभी यहाँ पे हरियाली जो है बहुत है, और सामने देख सकते हो दोस्त कुछ सेल्फी सुल्फिया भी ले रहे हैं। जैसे ही हम इस किले के पहले गेट पे पहुंचे तो मुझे एकदम केसरी मूवी की याद आ गई थी, बिकॉज उसमें जो है इस टाइप का जो है वहाँ पे व्यू रहा, और ऐसे पहाड़ों पे ही वो जैसा उस टाइप का व्यू था। और इस किले की मैं एक और रोचक बात बता दूँ कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे विशाल और पूरे भारतवर्ष में सबसे पुराना जो ये किला है। जैसे कि हमने दो गेट जो है हमने पार किए तो तीसरा गेट आ गया अमीरी दरवाजा। अमीरी गेट जो पार कर लिया है बहुत ही शानदार है। देखो राजा और महाराणी बनने वाले हैं सारे, दास और दासी है ये कुछ। राजा बैठा हुआ है और प्रजाएं दिख रही है। जैसे हमने तीन गेट जो पूरे पार किए, अब चौथा गेट एक और आ गया जहांगीरी गेट। अरे इतने हर गेट भाई, एक नंबर भाई। और देखो सामने आपको धौलाधार पहाड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ही हमने अब चौथा गेट पार किया तो उसके बाद एक और गेट आ गया, वो है अंधेरी गेट भाई। इस गेट की Over the edge, feel like I'm floating through the air. पांचवा गेट जो है क्रॉस किया तो इसके बाद एक और गेट यहाँ पे सामने दिखा मुझे, तो वो है दर्शनी गेट। आ जाओ नेक्स्ट आगे मैं आपको और बताऊंगा। और यहाँ पे जो एक साइड से यमुना है और एक साइड यहाँ पे गंगा है। करते हैं कांगड़ा किले की, जो नूरपुर किला नाम तो इसका पहले, बाद में जो इसका नाम चेंज किया गया तो उसका नाम रख दिया गया कांगड़ा किला। क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो निर्माण जो है कटोच वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, उनका मानना है कि वो महाभारत के टाइम पर जो है उनका उल्लेख यहाँ पे बताते हैं। और यहाँ की आप देख सकते हो जो खूबसूरती है, जो कांगड़ा किला था इसमें माना जाता है कि जो विदेश में जब यहाँ पे टेंपल जो इधर राजा के द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पर काफ़ी जो श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी भेंट चढ़ाई, जो राजा थे यहाँ पे आक्रमण करने आते थे और यहाँ पे लूट करने आते थे। यहाँ का जो आक्रमण शैली जो है बहुत ही ताकतवर थी, और यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर अभी भी खुदाई करेंगे तो यहाँ आना कहीं दफनाया हुआ है। वो दफनाया गया जो खजाना है वो राजा की मृत्यु के बाद ही खत्म हो चुका है, अभी तक उसका कोई यहाँ पे कोई सुराग पता नहीं है कि वो कहाँ पे दफनाया गया है।
बस दाम के लिए सभी बैठ गए मंडियाली बात मिलने का सुंदर बात रोकी पतली जो जो बोलना चाहता है अब देखो वैसे देखो बोलो कुछ कोई कुछ खास बोलना चाहता है हाय और बाय बोल दो वो ठीक है ओके तो दोस्तों मैं आपको और यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो ये के लिए काफ़ी जो है बाहर से बड़े बड़े राजा यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था, जैसे मुगल सम्राट से जहांगीर ने भी यहाँ पे आक्रमण किया था। पर जबरदस्त मामटी तुई घड़ी बैठ मार गप मामटी तुई घड़ी बैठ मार गप मामटी हाय गच्च मामटी मेरा गच्च मामटी हो जबरदस्त मामटी। और ये जो मैंने टी शर्ट डाली है जो हमारा प्रोडक्शन है बी हिमाचली के नाम से, तो इस चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चीज़ को भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा।